आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। और अभी हमारे साथ में आप देख सकते हैं पीएससी डेली वेजर लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज थाली बजा कर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, थाली बजा कर जो है एलजी प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि थाली हमारी खाली है, खाना खाने के लिए कुछ नहीं आ सकता जो है यहाँ पर डेली वेजर जो है वो देख सकते हैं कि खासी संख्या में यहाँ पर डेली वेजर आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ में पीएससी डेली वेजर के प्रधान भी हैं और उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि आज जो आपको थाली लेकर मजबूर हो गए, क्या संकेत देना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, हमारी थाली खाली थाली सब कुछ बता रही है, हमारी जीवन की हिस्ट्री बयां कर रही है। ये थाली खाली इसलिए है कि हुक्मरान जो बैठे हैं आज वो लोग गरीब की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। हम लोगों को पीएम साहब ने पिछले साल कोरोना की पीक पे रेड जोन ऑरेंज जोन में काम करने के लिए और इंसानी नस्ल को बचाने के लिए थाली और ताली बजा के अप्रिशिएट किया गया था। आपने इंसान को बचाने के लिए कोरोना की बीमारी की रोकथाम के लिए आज ये जो थाली बजा रहे हैं, आप किसके अप्रिशिएशन के लिए बजा रहे हैं? ये हम जो कुंभकर्ण नींद सोया और प्रशासन एलजी प्रशासन उसको जगाने की और एलजी साहब को हम पीएम साहब को सुनाने के लिए कि देखिए ये लोग जो आपने नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए भेजे हैं, ये गरीब की थाली में रोटी नहीं देना चाहते, गरीब को भूखा मारना चाहते हैं और इसी तरह ये सोचते हैं गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीब भूख से नहीं मरेगा, गरीब अपनी थाली में रोटी डाल के अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनका रोटी रोटी का इंतजाम, उनके स्कूल की यूनिफॉर्म, उनके एजुकेशन का खर्चा करने के निकालने के लिए ये पॉलिसी के लिए और जो दो SRO बने पड़े हैं 80 दिन से हम लोग इस धरना प्रोटेस्ट में, पहले भी 80 दिन का प्रोटेस्ट भी किया साथ में यहाँ पर, थाली ताली बजाने का ये नया तरीका है। शायद थाली ताली बजा के इस प्रशासन को ये लगे कि इनकी थाली में रोटी डालनी चाहिए। और हमें ये खुद हैरान है कि पीएम साहब श्रीलंका को 500 करोड़, सिक्किम को पैसा दे रहे हैं, नेपाल को पैसा दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अपने डेली वेजरों की मदद के लिए क्यों नहीं वन टाइम एक पैकेज 1,000 करोड़ का देते, जिससे हमारी गरीबी और ये परेशानी दूर हो जाए। बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। देख सकते हैं कि थाली बजाओ अभियान जो है, आप देख सकते हैं थाली बजा का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से जो है थालियाँ बजा कर जो है प्रशासन को जगाने का काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। बातचीत करना चाहिए